तो कल हम इस्कॉन मंदिर से निकल गए थे, दर्शन करके निकल गए थे। उसके बाद हम सीधा धर्मशाला आए हैं, फिर खाना वगैरह खा के सो गए, सभी घोड़े बेच के सोए हैं पूरा। तो अब हम सुबह उठ गए हैं और तैयार हो चुके हैं। और ये है मेरे नानी। और आपको कैसा लगा कल यात्रा करके? बहुत अच्छा लग गया राधे राधे जी, राधे राधे जी। बहुत आनंद आया जी, बहुत ज्यादा। कल कौन कौन से मंदिर घूमे हो फिर? कल घूमे जी स्कॉन मंदिर, जी प्रेम मंदिर, निधि वन, बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, जमुना जी। हाँ वाह, जमुना जी भी गए हो? जी हाँ जी, चलो बहुत बोटिंग बढ़िया, में गए हमने, बोटिंग। बड़ा आनंद लिया। बहुत बढ़िया, हमें ये बोटिंग बढ़िया भी लग रही करी। थी, हाँ बेस्ट है बेस्ट। और ये रही चलो हमारी यार आ मम्मा। रहा नानी जी, बैग भी बड़ा। राधे राधे। राधे राधे आज जल्दी उठ जी, गए? सबसे लेट तो मैं ही हूँ। हाँ दिख ही रहा है। हाँ दिख ही रहा है ना। चलो ठीक है, अब जी फिर आगे ब्रेकफास्ट करते हैं जाके, और फिर खाना आगे की डे टू की कंटिन्यू करते हैं हम यात्रा। आज हम जाएंगे मथुरा, बरसाना और गोकुल जाएंगे। ठीक है, अभी हम वृंदावन में थे तो सेकंड डे हमारा होगा, हम बाय बस जाएंगे गोकुल, मथुरा और बरसाना। अभी हम सबने चेकआउट कर दिया है रूम्स को और निकलने के लिए तैयार है। बस कुछ थोड़ा बहुत सामान रह गया, राशन वगैरह का जो आने वाला है वो लेके, और ये कुछ सामान खरीद रहे हैं, चुन्नी माला चूड़े में बेच रहा है, चाहिए तो बताना। ठीक है यार, बस अब यहाँ से निकलते हैं 10-15 मिनट में, सामान जैसे ही आता है फिर आगे चलते हैं मथुरा। मथुरा पहुँच गए हैं, और यहाँ पे बस रोक के आगे ट्रेवल करेंगे, पैदल चलेंगे सभी। और न्यूज़ आएंगे, न्यूज़ नहीं मतलब यहाँ का रूल है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लेदर का सामान है वो अंदर अलाउड नहीं है। तो कोई मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सभी लेट हो और इलेक्ट्रॉनिक लाइन में मैं लगूँ अपना सामान डिपॉजिट कराने के लिए। तो हम सब अपना सामान रहेंगे, तो अंदर देख जो हमने देखा होगा वो आपको जितना हो सके आपको आके पता चलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रणाम। हम सभी वापस आ गए हैं मथुरा। हमने कंस का किला है, किला देखा है, उसके अंदर कई अलग अलग मंदिर थे वो भी देखे हैं, काफी अच्छा बना हुआ था। मतलब प्रॉपर युग से वो किला जैसा है बिल्कुल वैसा ही है। अभी तो अंदर मूर्तियाँ वगैरह वो भी ऐसी है, पर अंदर गुफा वगैरह भी थे। सभी वापस आ चुके हैं, राधे राधे। कंस किला कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी हमने वहाँ पे। और अंदर क्या क्या था मैं भूल गया। हमने कालिया नाम देखा, उसके अंदर से प्रवेश किया, गुफा देखी हमने, राधे राधे। अभी बस से हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा घाट जा रहे हैं अभी। हाँ ब्रह्मा घाट जा रहे हैं पहले, ठीक है, उसके बाद जाएंगे रमन रेती। राधे 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 राधे। ये रहा सामने ब्रह्मा घाट, और यहीं पे घूम रहे हमारे सखा लोग, पता नहीं कहाँ पे हैं। चलो आंटी जी, वो देखो लोग स्नान कर रहे हैं वहां पे। सेल्फी मोड है वो, लोकेशन बहुत मस्त है, अगर इसने फोटो शूट करना हो अपना। मम्मा डुबकी लगानी है, बोटिंग करें फिर यहाँ पे भी। बहुत बड़ी है भी, लेक टाइप है। बोटिंग
हनुमान घाट से दर्शन करके भगवान के, अब हम सीधा रमन रेती जाने का पहले प्रोग्राम था, अब हमारा कैंसिल हो चुका है प्रोग्राम। अब हम आपको सभी को बस में से ही रमन रेती के दर्शन करवा देंगे और अब हमारा जाने का गोकुल जी प्लान है। अब आगे हम आपको श्री कृष्ण भगवान के गोकुल जी में दर्शन करवाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ मंदिर देख लो, रेती मंदिर वीडियो में बाहर से दिखा दो। ये क्या बैठी है, ये क्या बैठी है ना, रेती मंदिर है, रेती मंदिर क्या बैठी है मैं ही लक्ष्मी फोन वीडियो वाला कट गए। अंदर बंद है ये वीडियो बना परिक्रमा के लिए, और ये गोवर्धन की परिक्रमा अभी हम कर रहे हैं। इस टाइम पे रिक्शा में बैठी होती है परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की, और 21 किलोमीटर की ये पूरी परिक्रमा है। बीच बीच में कई मंदिर आ रहे हैं तो वहाँ भी दर्शन कर रहे हैं साथ ही साथ ही। तो आप मेरी राइट साइड देख सकते हो, ये गोवर्धन पर्वत है। इक्कीस किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है पूरा ये। मुखारविंद मंदिर, और ये पर्वत के ऊपर बना हुआ है। अभी हमने परिक्रमा पूरी कर लिया गोवर्धन पर्वत की पूरी, और सभी आगे है, खाना भी खा लिया थोड़ा बहुत। और मामा परिक्रमा कर ली पूरी? हाँ जी। कहाँ कहाँ गए थे? श्री राधे 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 हरे कृष्णा हरे राम, राशि को उसकी परिक्रमा करी है, बहुत आनंद है। हाँ जी। कहाँ कहाँ गए थे? गए थे राधा कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, और अंदर किस चीज़ का राधे कृष्ण का मंदिर था वहाँ भी गए। गिरिराज मंदिर गए थे? गिरिराज में भी गए हैं, और कई मंदिर थे भगवान के, सबके दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सभी घूम गए, सारी जगह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो जाके चाय वगैरह पीते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है ना वो। चलो बस आ चुके हैं राधा रानी के दरबार बरसाना। जो वृंदावन जाते हैं उनको बरसाना आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो काना है, काना को सबसे प्यारी सखी थी उनके राधा रानी श्री राधा। तो हम भी पहुँच गए बरसाना, बहुत ही आनंद आ रहा है, सभी आ रहे हैं। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। Thank you.
तो बड़े आराम से पहुंच गए हैं। 300-400 पौड़ियाँ थी। माधव बोलो राधे 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 राधे। हमारे कुछ सखा लोग पहले पहुंच गए हैं यहाँ पे, कुछ पीछे हैं। चलो उनका वेट करते हैं फिर जाते हैं मथुरा देखने। तो हम ऊपर पहुंच चुके हैं, तो बाहर का व्यू देखो राधा रानी मंदिर का कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। अगर हो सका तो अंदर के दर्शन भी करवाऊंगा। की जय राधा रानी मंदिर। आ रहे हैं पीछे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे। नीचे देख के राधे पूरा राधा रानी मंदिर देखो। काफी अच्छे दर्शन हो गए बरसाना में लाडली जी के। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत मजा। आज हमारी यात्रा का सेकंड डे था और फिर आज हम वृंदावन से चल के बाय बस आए थे। एक्चुअली बाय बस हमने ट्रैवल किया टू मथुरा। मथुरा कंस का कारागृह देखने के बाद हम चले गए थे सीधा रमन रेती। रमन रेती भी हमने बाहर से ही देखा था, अंदर नहीं गए।
फिर उसके बाद हम आ गए थे बरसाना, जहाँ पे आना मतलब बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए राधा रानी के, पूरे खुले दर्शन हुए हैं, मतलब बार बार करें हमने 4-5 बार। उसके बाद भी हमने आरती में भी 10 मिनट लगाए हैं, बाद में उन्होंने कपाट बंद कर दिए थे, बट फिर जब आरती हो रही थी अंदर तो उसके बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा कपाट खोल दिए थे, फिर हमने दर्शन किए, फिर वहाँ पे 10-15 मिनट और वहीं रहे हम, काफ़ी मतलब इन्जॉय किया, उस चीज़ का आनंद लिया। तो अब हम रात को हमारा खाना पीना हो गया सभी का, तो बस चाय पी के यहाँ से निकलेंगे खाटू श्याम जी राजस्थान, और 5-6 घंटे लग जाएंगे अगर अब चलेंगे, मतलब अब रात के 10:15 सोने वाले हैं, सुबह के 4-5 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे, फिर आगे जाके आगे बताता हूँ आगे क्या करेंगे, ठीक है। राधे राधे।